हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस बीमारी में किस डॉक्टर को दिखाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के लिए। जो बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पेडियाट्रिशियंस। पेडियाट्रिशियंस जो होते हैं, इसमें वर्ड से समझ में आ रहा होगा आपको, पेडियाट्रिक मतलब बच्चों के लिए। उसके बाद अगर आपको कोई स्किन में दिक्कत है या फिर आपके नील्स में दिक्कत है, हेयर में कोई इशू आ रहा है आपको, तो उस केसेस में आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे आई में या फिर आपके विजन में कोई दिक्कत आ रही है, तो उस केसेस में आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। फोर्थ नंबर पे आता है आपका प्रेगनेंसी के केसेस। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उस केसेस में वो गायनेकोलॉजिस्ट को या फिर ऑब्स्टेट्रिशियंस को कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जब अगर कोई हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आपको कोई दिल से रिलेटेड बीमारी है कोई, तो उस केसेस में आप कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। फिर आते हैं हमारे अगर ग्लैंड्स में, आपके कोई हॉर्मोन्स में, हमारी बॉडी में काफ़ी टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा, तो इतने सारे ग्लैंड्स में अगर आपको कोई हॉर्मोन्स में कोई दिक्कत आ रही है तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। और आपके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, पाचन में कोई दिक्कत आ रही है, तो उस केसेस में आप गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे किडनी के डॉक्टर्स। किडनी के डॉक्टर्स जो होते हैं उनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रो मतलब होता है हमारे नेफ्रॉन्स, जो कि हमारे किडनी में पाए जाते हैं, उसी से हमारे क्या आया, नेफ्रोलॉजिस्ट। फिर आता है आपका अगर यूरिनरी ट्रैक में कोई दिक्कत है, पेशाब में कोई दिक्कत आ रही है, दुर्गंध आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस केसेस में आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। न्यूमोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके लंग्स रिलेटेड डिसीजेस या फिर आपका कोई ब्रीथिंग में कोई इश्यू आता है, उन सब पेशेंट्स को देखते हैं। अगर आपके ईयर में, नोज में, थ्रोट में, ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं इनके लिए, अगर इनमें कोई आपको दिक्कत आ रही होती है, तो ईएनटी डॉक्टर्स को हम ओटो लैरिंगोलॉजिस्ट भी कहते हैं। फिर हम आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट पे। न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं आपके नर्व्स के लिए, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, आपके ब्रेन की कोई दिक्कत होती है उनके लिए। फिर आते हैं हमारे साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो हमारे मेंटल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ की कंडीशन को हमारे देखते हैं। फिर आते हैं हमारे कैंसर के डॉक्टर्स। कैंसर के डॉक्टर्स को हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑन्को जो वर्ड है वो कैंसर के लिए स्पेशली यूज़ होता है मेडिकल में। फिर आते हैं हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके सर्जरी के दौरान पेशेंट को कोई पेन ना हो, जब पेशेंट की बॉडी को हम डाइसेक्ट करते हैं, तो उस केसेस में हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं एनेस्थीसिया देने के लिए। फिर लास्ट में हम बात करते हैं डेंटिस्ट की। अगर आपको कोई दांत में दिक्कत होती है या फिर आपके मसूड़ों में कोई दिक्कत होती है, तो उस केसेस में आप डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।